हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है स्पेशली उन लोगों के लिए जो जल्दी ही यूके में मूव करेंगे ऑन हेल्थ वर्कर वीजा या फिर स्किल वर्कर वीजा। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको इमीडिएट यहां पे आके नहीं करनी चाहिए, जो मोस्टली लोग करते हैं, एंड जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि सबसे पहले यहां पे आके क्या करना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई करने होते हैं। मैं ये भी बता दूंगी कौन से डॉक्यूमेंट आपको कहां से मिलेंगे। अगर आप इन सारी चीजों के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। ये चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप यूके में मूव करने वाले हैं या फिर मूव कर भी चुके हैं तब भी इस चैनल पे काफी ऐसी वीडियोज मिल जाएंगी जो यहाँ पे आपको सेटल होने में हेल्प करेंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई चैनल। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं उन बातों को बताऊंगी जो कि आपको इमीडिएट यहाँ पे पहुंचने के बाद करनी होती है। तो जो उसमें फर्स्ट थिंग आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो होता है आपका बीआरपी। जब आप यहाँ पे अराइव कर जाते हो तो सबसे पहले जो आपका काम होता है इवन फर्स्ट सेकंड डे में ही, वो होता है अपना बीआरपी कलेक्ट करना। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें बीआरपी कहाँ से मिलेगा। तो बीआरपी बेसिकली डिपेंड करता है कि जो आपने जब अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाई होगी वहाँ पर ऑप्शन आती है बीआरपी कलेक्शन की। वहाँ पर जो ऑप्शन सेलेक्ट करी जाती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी हो सकती है जिस कंपनी से आपको वीज़ा मिल रहा है, उनके ऑफिस का एड्रेस हो सकता है अगर आपके पास कोई एड्रेस नहीं है। अदरवाइज जो सेकंड ऑप्शन हो सकती है वो हो सकती है नियर बाय पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से भी यहां से बीआरपी कलेक्ट होते हैं। अगर आपको एड्रेस नहीं पता है तो जिस भी कंपनी में आप आ रहे हो उसका नियर बाय कोई भी पोस्ट ऑफिस हो सकता है। अब लोग इसके बारे में एक क्वेश्चन पुट करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पोस्ट ऑफिस में हमारा बीआरपी आने वाला है। तो गाइस, जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और आपको सक्सेसफुली उसका रिजल्ट मिल जाता है, उसके बाद आपको बीआरपी के लिए एक मेल आती है कि इस जगह से आपने अपना बीआरपी कलेक्ट करना है। अगर वो पोस्ट ऑफिस में है तो वहाँ पे मेंशन होता है कि इस एड्रेस के इस पोस्ट ऑफिस पे जाके आप अपना बीआरपी कलेक्ट कर सकते हो। आप बीआरपी कलेक्ट करने जाते हो कि क्या आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए? यस, आपको अपना पासपोर्ट साथ में लेके जाना होता है, कोई भी ऐसी एक प्रूफ देना होता है अपनी फोटो वाला। तो ऑफ कोर्स आपके पास अभी तक यहाँ का कोई प्रूफ नहीं होगा। जब आप पहुंचोगे तो आपके पास इकलौता जो प्रूफ होगा वो होगा आपका पासपोर्ट। तो आपने अपना पासपोर्ट साथ में लेके जाना है। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं किसी और पर्सन का बीआरपी कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक स्पेशली जैसे स्पाउस होते हैं, लाइक अगर वाइफ जाती है तो क्या अपने हस्बैंड का बीआरपी कलेक्ट कर सकती है, या फिर जो हस्बैंड होते हैं क्या वो अपनी वाइफ का बीआरपी कलेक्ट कर सकते हैं? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। जो यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं वो मना कर देते हैं ऐसे बीआरपी देने को, तो आपको खुद जाना पड़ेगा। तो दोनों ही जो एप्लीकेंट है वो साथ में जाएं या फिर जैसे भी आपने जाना है आपको खुद ही जाके वो बीआरपी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो बीआरपी के बाद जो अदर थिंग्स होती हैं वो होती हैं फर्दर डॉक्यूमेंट्स। फर्दर डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है यहाँ पे अगर आपने जॉब करनी है तो वो होता है आपका NI, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। इसे आप पहले भी अप्लाई कर सकती हो बिकॉज NI के लिए बेसिकली आपको फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन, एंड उसी फॉर्म को निकलवा के आपको जो वो फॉर्म है विद अपने जो प्रूफ होता है, लाइक आपका पासपोर्ट हो सकता है, अगर आपको बीआरपी मिल चुका है तो बीआरपी भी हो सकता है, उससे दो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज को साथ में पोस्ट करना होता है UKVI को। और उसके बाद आपका जो NI है वो आपको विद इन 15 डेज लेटर के थ्रू मिल जाएगा। समटाइम जो बीआरपी है वो डिले हो जाते हैं और काफी लोग वेट करते रहते हैं कि जब हमारा बीआरपी आएगा तभी हम NI अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता गाइस, अगर आप अपने पासपोर्ट की कॉपी भी भेज दोगे तब भी आप NI अप्लाई कर पाओगे, बिकॉज बिना NI के यहाँ पे जॉब करना काफी हार्ड होता है। लाइक स्पेशली अगर आपने अच्छी जॉब फाइंड करनी है लीगली तो NI आपको रिक्वायर्ड है। इसके साथ मिलता जुलता जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो होता है बैंक। तो बैंक अकाउंट के लिए भी आपको दो प्रूफ सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, एक होता है आपका एड्रेस प्रूफ एंड सेकंड होती है आपकी ID। तो मोस्टली जो यहाँ पे बैंक अकाउंट है उनका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, लाइक पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है देन उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन होता है। तो जब आप यहाँ पे अराइव कर जाते हो तो इमिडिएट उसके बाद आप ट्राई करो कि अपनी जो बैंक की अपॉइंटमेंट है वो जल्दी से जल्दी आप ले लो। उसके लिए जो आपके एड्रेस प्रूफ होंगे, अगर तो आप मेन एप्लीकेंट है तो आपको अपनी कंपनी से एक एड्रेस प्रूफ मिल जाएगा,
और जो डिपेंडेंट है उसके लिए थोड़ा सा हार्ड होता है, बिकॉज एड्रेस प्रूफ के लिए बेसिकली आपको कोई ऐसा लेटर चाहिए होता है जिसपे आपका नेम एंड आपका एड्रेस मेंशन हो। तो उसके लिए अगर आप कोई भी यहाँ पे सिम वगैरह स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हो, उनका लेटर है, कॉन्ट्रैक्ट है, उस पे एक एड्रेस प्रूफ लिख के दें, देन वो उसे आप एक एड्रेस प्रूफ की तरह यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद कोई ऐसा लेटर लेने की ट्राई करें जिसपे आपका नेम मेंशन हो और आपका एड्रेस मेंशन हो, उसे आप यूज कर सकते हो एज ए बैंक में अपने एड्रेस प्रूफ के लिए। तो जो बैंक की अपॉइंटमेंट है वो आपको सम टाइम 15 डेज की मिलती है, सम टाइम 1 वीक की मिल जाती है, बट अब क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं तो सम टाइम 15 डेज से भी ज्यादा लग जाते हैं आपकी डेट आने के लिए अपॉइंटमेंट की। तो इमिडिएटली आके थर्ड काम है वो आप कर लो। इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो होता है यहाँ पे अपने डॉक्टर के साथ रजिस्टर्ड होना। ये वाली काम एक इम्पॉर्टेंट आता है, बिकॉज अगर आपको यहाँ पे कोई भी आपको हेल्प चाहिए, लाइक डॉक्टर के पास आपने जाना है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप जीपी के पास नहीं जा सकते। तो इमिडिएटली यहाँ पे आपको डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड होने के लिए आप जो आपके नियर बाय जो भी हेल्थ सेंटर है वहां पे आपको विजिट करना पड़ेगा। मोस्टली आजकल हेल्थ सेंटर जो है उन्होंने पूरा जो अपनी सर्विसेज है वो ऑनलाइन देनी स्टार्ट कर दी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको साइट बता देते हैं कि इस साइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बट सम टाइम जो उनका फॉर्म है वो आपको मैनुअल भी फिल करना पड़ सकता है। तो वो सिंपल सा फॉर्म होता है, तो आप उसे फिल करोगे, उसके बाद आप सबमिट कर दोगे। बट सम टाइम जो हेल्थ सेंटर होते हैं वो आपसे डिमांड करते हैं आपके एड्रेस प्रूफ की। एड्रेस प्रूफ यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहता है, काफी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आप अप्लाई करते हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इमिडिएटली कोई ऐसा लेटर लेने की ट्राई करो जिसपे आपका नेम मेंशन हो। बट सम टाइम अगर आप उनको बोलोगे कि आप यहाँ पे अभी आए हो, आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो कुछ जो हेल्थ सेंटर वाले होते हैं वो बोल देते हैं कि ठीक है हम आपको इतना टाइम देते हैं, उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ अपना सबमिट करना पड़ेगा, ओनली आपके पासपोर्ट की कॉपीज ही ली जाती हैं। अगर वो ऐसा करने के लिए एग्री हो जाते हैं तो आपको विद इन द वीक लेटर मिल जाता है अपने डॉक्टर के साथ रजिस्ट्रेशन का, तो उस लेटर को भी आप एज ए बैंक में एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हो। तो ये तो बात हुई जो बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके बाद कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट लाइक ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वो आप धीरे धीरे भी कर सकते हो, बट ये जो 3-4 चीजें हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे आके सेटल होने में, यहाँ पे आके एक्चुअली जॉब स्टार्ट करने में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सारी अगर चीजें आप कर लोगे तो आप यहाँ पे इजिली जॉब यहाँ पे स्टार्ट कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज काफी जॉब यहाँ पे इसीलिए लोग लेट स्टार्ट कर पाते हैं कि उनके पास इनिशियली डॉक्यूमेंट नहीं होते, एंड सम कंपनीज आपको रख लेती हैं, वो बोलती हैं कि ठीक है विद इन द मंथ सैलरी तक आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना, बट कुछ जो जॉब्स होती हैं उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही होती है डॉक्यूमेंट्स की, अगर आप डॉक्यूमेंट्स दोगे तभी आप जॉब स्टार्ट कर पाओगे। तो इसके बाद मैं बात करूंगी कि कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए या फिर कौन सी चीजों के लिए आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो उसमें जो फर्स्ट थिंग है यहाँ पे वो आती है आपके स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस, और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस होता है वो होता है ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग का यहाँ पे क्या है कि अगर तो आप डेली जो टिकट्स लेते हो वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, और स्टार्टिंग में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अदर थिंग्स। तो उसके लिए अगर आप जो पासिस हैं वो लेना प्रेफर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक ऑफकोर्स फर्स्ट डे तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी, बिकॉज काफ़ी जगह पे लाइक बर्मिंघम वगैरह में तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी आती हैं, उनको आप डाउनलोड करके वहां से टिकट्स ले सकते हो, बट कुछ सिटीज में जैसे पास वगैरह चलते हैं तो वो आपको स्पेसिफिकली एक जगह पे जाके बनवाने पड़ेंगे। तो अगर आप उन पास को बनवाओगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे रेदर देन कि अगर आप डेली टिकट्स लो, बिकॉज डेली टिकट्स एक्सपेंसिव भी होती है। और कुछ बसेस का यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कुछ मनी डालते हो उनकी मशीन में तो वो रिटर्न नहीं होती, लाइक वो ऐसे आपको रिटर्न नहीं कर सकते, तो ड्राइवर एक स्पेसिफिकली टिकट कट करके आपको दे देंगे। अगर आपके पास चेंज नहीं है तो आपको जितने भी लाइक अगर आपके पास 10 पाउंड का नोट है तो वो 10 पाउंड चले जाएंगे और आपको 5 पाउंड की टिकट ही मिलेगी और 5 पाउंड वेस्ट हो जाएंगे। तो या तो आप अपने पास ऐसे मतलब खुले पैसे रखो, अदरवाइज प्रेफर करो जितनी जल्दी आप पास वगैरह बना लो, बिकॉज वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं जिससे आपकी मनी सेव होगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इसके साथ मिलता जुलता ही है, यहाँ पे आके जो स्टार्टिंग में आपकी मनी है लाइक यहाँ पे शॉपिंग वगैरह उसको थोड़ा अवॉइड करो, ओनली एसेंशियल चीजें ही खरीदो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आप पैसा वहां से लेके आओगे यहाँ के पाउंड
पाउंड्स में वो इतना नहीं होता और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और इन केस अगर आपको जॉब वगैरह नहीं मिलती देन आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसी के साथ कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि कितनी मनी लेके आनी चाहिए, तो ये सारी चीजें भी मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी आपको, तो स्टे ट्यून्ड। तो मैं नेक्स्ट बात करूंगी यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। आप लोग पूछेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ क्यों, यहाँ पे साइबर क्राइम्स का रेट काफी ज्यादा है। साइबर क्राइम किस तरह के हो सकते हैं, कोई आपकी आईडी यूज करके किसी भी एप्लीकेशन में, लाइक बहुत कॉमन सी चीज है डिलीवरी एप्लीकेशन, या ऐसा लाइक आपके ही नाम पे कोई के नाम पे कोई एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाएगा और जो आपके NI है वो आप पे शो होगा कि आप जॉब कर रहे हो बट करेगा कोई और। ऐसे क्राइम यहाँ पे काफी कॉमन है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा कि किसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो मेनली। लाइक काफी लोग ऐसा बोल देते हैं कि हम आपको जॉब दिलवा देंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किसके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना अगर आप अपनी बैंक डिटेल या फिर जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप शेयर करते। अब मैं बात करूंगी माय सजेशंस माय टिप्स जो यहाँ पे आ रहे हैं रिसेंटली उनके लिए क्या रहने वाले हैं। जो फर्स्ट है, जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि कितना अमाउंट ऑफ मनी हमें लेके आनी चाहिए, तो गाइस अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको एटलीस्ट इंडिविजुअल के लिए, सिंगल पर्सन के लिए बोल रही हूँ, 1000 pounds आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा। तो इसमें से जो हाफ मनी है वो आप फॉरेक्स कार्ड में डाल सकते हो और जो हाफ मनी है उसे आप एज ए कैश कैरी कर सकते हो। और लोग पूछेंगे जो कपल आ रहे हैं, एज ए इंडिविजुअल अगर मैंने बोला है तो अगर आप 2 persons आ रहे हो तो आपकी मनी भी डबल होगी, और इनकेस बच्चे हैं तो आप खुद ही हिसाब लगा लेना बिकॉज यहाँ पे अब सब बहुत एक्सपेंसिव है, स्पेशली अकोमोडेशन। इनकेस स्टार्टिंग में आके आप यहाँ पे स्ट्रगल करती हो जॉब के लिए या फिर अकोमोडेशन के लिए, तो एटलीस्ट आपके पास रेंट और खाने के पैसे हो, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में आके ही अपने घर वालों से डिमांड करेंगे कि हमें जहाँ पे जॉब नहीं मिल रही या फिर हमारी जॉब सेटल नहीं हो पा रही तो हमें जो थोड़ा पैसे हैं वहां से भेज दें, तो वो काफी प्रॉब्लम होगी आपके लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी। इसलिए आप एटलीस्ट इनफ मनी स्टार्टिंग में ही यहाँ पे लेके आएं। तो जो सेकंड एडवाइस है वो ये है कि आप जो अपनी अकोमोडेशन है वो बुक करके आए वहां से ही प्रॉपर तरीके से, जहां पे भी आप रहने वाले हो किसी और पे रिलाय होके मत आना कि कोई आपके लिए अकोमोडेशन देख लेगा या फिर आप यहां पे आके अकोमोडेशन फाइंड कर लोगे। इट्स रियली हार्ड स्पेशली दिस टाइम, ये बहुत ही मुश्किल है 2023 में कि आप यहाँ पे आके इमीडिएटली अकोमोडेशन फाइंड कर लो और आपको मिल जाए, तो अगर हो पाए तो अपनी अकोमोडेशन प्रॉपर वहां से सेटअप करके आए। और जो एक और डाउट होता है कि स्टार्टिंग में अगर हमें कोई यहाँ पे रिसीव करने के लिए नहीं है तो क्या होगा, कैसे हम मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो गाइस इतनी यहाँ पे प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर आपको कोई रिसीव करने वाला नहीं है। यहाँ पे जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हो तो यहाँ पे टैक्सी सर्विस वगैरह अवेलेबल होती है, आपने उन्हें ओनली अपनी अकोमोडेशन का एड्रेस बताना होता है, तो वो मीटर के हिसाब से उनका मीटर चलता है गाड़ी में, जितने माइल आपकी अकोमोडेशन दूर होगी उसी के अकॉर्डिंग आपसे मनी ली जाएगी, तो उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इजीली मैनेज कर लोगे। ओनली अकोमोडेशन ऐसी चीज है जो आपको बुक करके आनी पड़ेगी। तो ये थी गाइस आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ पे जल्दी ही मूव करने वाले हैं। होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपके काफी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, कीप सब्सक्राइबिंग, बाय बाय।